अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिहार के बेगूसराय में बुलेट सवार युवक का अपहरण, अपराधी बेखौफ, पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मामला सिंधौल थाना क्षेत्र के मकरदही इलाके में एक बुलेट सवार युवक के अपहरण से जुड़ा है। खबर है कि स्विफ्ट कार में सवार चार अपराधियों ने युवक को उस वक्त घेर कर किडनैप कर लिया जब वह मकरदही से अपने घर लौट रहा था। डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि अपहरित युवक शराब कारोबारी है और मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है। फिलहाल हरकत में आई पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है, हालांकि अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है। ये सिघौल ओपी से संबंधित एक मामले की सूचना कल संध्या 8:30 के आसपास में जब सिघौल पुलिस गश्ती में थी तो इन लोगों को सूचना मिला कि मकरदही के समीप से बुलेट मोटरसाइकिल सवार कार्य सिंह, जो कि मकरदही गांव के ही रहने वाले हैं, ये जब बेगूसराय से लौट रहे थे तो लौटने के दरमियान में स्विफ्ट कार पर सवार चार अपराधी इनका अपहरण कर लिया। इस सूचना के आलोक में तब से ही पुलिस अनुसंधान जारी है। हालांकि अभी तक उनके परिजनों के द्वारा कई एक बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी लिख करके घटना के संबंध में नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि मामले के संबंध में ये एक संज्ञेय अपराध से संबंधित वारदात है, इसलिए अनुसंधान इसका प्रारंभ कर दिया गया है और फिर जब उनके द्वारा लिख करके दिया जाएगा तो औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला है और इसके संबंध में अभी तक जो अनुसंधान में बातें आई हैं कि कुछ ताड़ी की पैसे का लेनदेन का विवाद था और इसी विवाद को लेकर के, इसी लेनदेन की बात को लेकर के कार्य सिंह जो मोटरसाइकिल से थे और बेगूसराय से मकरदही आ रहे थे उनका रास्ते में, उनके बैकग्राउंड के संबंध में अभी जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, चूँकि क्रिमिनल कौन थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन उनके ही घर वालों का कहना है कि वो पैसे के लिए बार बार तगादा करता था, पैसे के लिए तगादा करता था, तो आखिर वो कुछ लिख के देंगे उसके बाद ही ना बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तब तक के लिए जो पुलिस को जो जहाँ से हो रहा है, क्योंकि मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा है इसलिए अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है, प्राथमिकी परिजनों के द्वारा अभी तक दर्ज नहीं कराया। बता दें कि बिहार पहले से ही अपहरण और फिरौतियों के लिए बदनाम रहा है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसके खात्मे का दावा तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरह दिनदहाड़े किडनैपिंग की वारदात हुई है उससे पुलिस और सरकार दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।